हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आपने आज तक अलग अलग तरीके का ढोकला खाया होगा, लेकिन क्या आपने पहले कभी मूंग फ्रूट्स का ढोकला खाया है? मुझे पूरा यकीन है कि आपने नहीं खाया होगा। मूंग फ्रूट्स का ढोकला अगर आप एक बार खा लिया तो आपको इसे बार बार खाने का मन होगा। तो चलो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए इसे कैसे बनाते देखेंगे। इसे बनाने के लिए 2 कप मूंग का स्प्राउट्स लीजिए। उसे मिक्सर में डाल दीजिए और 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पानी डाल के दरदरा पीस लीजिए। बारीक मत कीजिए, दरदरा रहना चाहिए। उसे एक बाउल में निकाल के उसमें 1 कप सूजी, 1 कप दही, 2 स्वाद अनुसार नमक डाल के मिलाइए। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कीजिए। ये बैटर इडली का बैटर जैसा बनना चाहिए और इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख लीजिए। अभी मैंने एक बर्तन में पानी डाल के गरम होने के लिए ढक्कन लगा के रख दिया है। ढोकला बनाने के लिए ऐसा एक बर्तन लीजिए, उसको अंदर से चारों ओर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि ढोकला उसको न चिपके। अभी ढोकले के बैटर में 1 चम्मच हीनो डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अच्छी तरह धीरे से मिक्स कीजिए और वो थोड़ा सा फूल जाएगा। फूलने के बाद तुरंत उसको ऑयल लगा हुआ बर्तन में डाल दीजिए। बाद में थोड़ा सा हाथ से ऐसे टैप कीजिए ताकि बैटर सब जगह इक्वल बन जाए। उसके ऊपर कसा हुआ ताजा नारियल, और थोड़ा सा धनिया कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अभी इस बैटर को 15-20 मिनट स्टीम होने के लिए स्टीमर में रखेंगे। 15-20 मिनट के बाद ढोकला रेडी हुआ कि नहीं चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक वुडन स्टिक लेके ढोकले के अंदर डालेंगे। ढोकला रेडी रह गए तो स्टिक को नहीं चिपकेगा, चिपक गए तो और 2-3 मिनट स्टीम कर लीजिए और गैस बंद कीजिए। अब हम ढोकले के ऊपर डालने के लिए एक तड़का रेडी करेंगे। तड़के के पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद राई, उड़द दाल, 2-3 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और तेल डाल के गैस को बंद कीजिए। बाद में थोड़ा सा हींग डाल के पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा शक्कर डाल के घोल के अच्छी तरह बॉईल कीजिए। अब एक चाकू के मदद से ढोकले को बर्तन से साइड से फ्री करके एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब ढोकले को आपका कौन सा शेप चाहिए वो शेप में कट करके उसके ऊपर तैयार किया हुआ तड़का डाल दीजिए। मूंग स्प्राउट से बनाया हुआ ढोकला अब खाने के लिए
रेडी है। आप देख सकते हो ये कितना फ्लफी बना है और स्वादिष्ट भी है। इसे किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिले। ये आपका दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।